नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज मैं आप लोगों से त्रिपल्ली के बारे में बात करेंगे। त्रिपल्ली उसे कहते हैं जब आप एक बोल को तीन अलग अलग लय में प्रस्तुत करते हो। तो आज जो बोल मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जो आप लोगों को सुनाऊंगी, वो मैंने मेरी गुरु पद्मश्री श्रीमती दमयंती जोशी दीदी से सीखी थी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक गुण दुगुण चौगुण इसमें करते हैं, पर आप कोई भी लय पे, जैसे आप अगर चाहो तो और कॉम्प्लिकेटेड वे में, जैसे 1.5, 3, 6 ऐसे कुछ भी कर सकते हो, बट इन जनरल हम लोग एक गुण दुगुण चौगुण करते हैं। तो एक सिंपल सा बोल मैं आप लोगों को आज पढ़ के सुनाती हूँ, पर इसका खासियत ये है, बोल सिंपल है पर क्योंकि आप विलंबित, मध्य और ध्रुत ऐसे तीन लय पे कर रहे हो, तो जब आप विलंबित करते हो ना तो आपके पास बहुत स्कोप होता है कि बहुत सुंदर अंग हो, जो मेनली कथक में हम बोलते हैं नजाकत, ठहराव, तो वो इस त्रिपल्ली में जब आप विलंबित करते हो तो बहुत सुंदर एक रूप ले लेता है और करने में भी बहुत मजा आता है। दमयंती दीदी का यही स्पेशलिटी था, जो नजाकत, जो ठहराव और बहुत सुंदर अंग। और मैं भी जब करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं खुद बहुत आनंद लेती हूँ इस चीज का। तो आई होप आप लोगों को भी जब आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद मेरे बच्चे एक आपको करके दिखाएंगे। तो डेफिनेटली विलंबित में शुरू होना है और उसके बाद उसके डबल स्पीड ऐसे होता है। तो धा धिन धिन धा धा धिन 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 ये सुनने में तो बहुत सिंपल बोल है, पर ध्यान देंगे तो इसमें भी सब चीज तीन बार हो रहा है। ताथे ततथे तिग्धादिग्धिग्थे तीन बार है, तिग्धादिग्धिग्थे चक्कर भी तीन बार है, एंड थे ताथे इज आल्सो 1, 2, 3। ये एक बोल जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, जब आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे बच्चों से मैं एक ही लय, मैं आपको तीन नहीं दिखा रही हूँ, एक लय दिखा रही हूँ, एंड थोड़ा सा मैं बोल को भी ट्विस्ट किया। कैसे? ता थे तत थे तत थे तिग धा तिग तिग थे
आप थे थे। तो चलिए प्रस्तुत है, मेरे स्टूडेंट्स आपको करके दिखा रहे हैं त्रिपल्ली, लेकिन एक ही पल्ला करके दिखा रहे हैं, मतलब एक ही लय में हम करके दिखा रहे हैं। आप प्रैक्टिस करिए तीन लय में करने के लिए। चलिए We'll be uploading a new Kathak lesson on this channel every Monday. So subscribe, like, comment and share our videos and keep learning.